यह इंश्योर किया जाएगा कि क्रॉस इंस्पेक्शन से बचने के लिए सस्पेक्टेड और कंफर्म केसेस के लिए अलग अलग कोच डेजिग्नेट किए जाएं। जहां पर भी केसेस कोविड केयर सेंटर कोच में एडमिट होते हैं, वहां प्रत्येक पेशेंट को या तो एक इंडिविजुअल केबिन असाइन किया जाए या जरूरत अनुसार दो कंफर्म पेशेंट एक केबिन में रखे जा सकते हैं। 215 स्टेशन्स में से 85 स्टेशन्स पर इवन हेल्थ केयर स्टाफ भी रेलवे द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा, और एडिशनली जो 130 रेलवे स्टेशन हैं जहां पर ये कोविड केयर कोचेज होंगी, वहां स्टेट जब अगर उनकी रिक्वेस्ट के अनुसार स्टेट के द्वारा स्टाफ और इसेंशियल मेडिसिन प्रोवाइड की जाएंगी। रेलवेज ने 2500 डॉक्टर्स और 35,000 पैरामेडिक्स को भी कोविड 19 मैनेजमेंट के लिए डिप्लॉय किया है। इसके साथ ही ICMR ने प्रोजेक्ट प्लेसिड के तहत प्लेसिड यानी फेज 2 ओपन लेबल रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल को उनको नेशनल एथिक्स कमेटी से मंजूरी मिल गई है, जिसके तहत ICMR कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा की सेफ्टी और एफिकेसी को असेस करने के लिए क्लिनिकल ट्रायल्स 21 हॉस्पिटल में करेगा, जिसमें से कि 5 अस्पताल महाराष्ट्र से हैं, 4 गुजरात से हैं, राजस्थान, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से 2-2 अस्पताल हैं, साथ ही पंजाब, कर्नाटका, तेलंगाना, चंडीगढ़ से 1 अस्पताल है। कल माननीय स्वास्थ्य मंत्री और माननीय आयुष मंत्री उन्होंने मिलकर आयुष संजीवनी एप्लीकेशन का लॉन्च किया, जिसको कि आयुष मंत्रालय ने मिनिस्ट्री ऑफ IT के द्वारा डेवलप किया था। साथ ही 2 इंटरडिसिप्लिनरी क्लिनिकल रिसर्च स्टडीज जो एक जॉइंट इनिशिएटिव के रूप में आयुष मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजीज ICMR के साथ मिलकर उसको भी लॉन्च किया गया। इन स्टडीज का मुख्य उद्देश्य है कि आयुर्वेदा को प्रोफाइलेक्सिस के लिए रूप में कैसे इस्तेमाल किया जाए और उसको स्टैंडर्ड केयर फॉर कोविड 19 से संबंधित एडिशनल सपोर्ट के रूप में कैसे यूज किया जा सकता है। इसी के तहत दूसरी स्टडी के द्वारा पॉपुलेशन बेस्ड इंटरवेंशन ऑन द इम्पैक्ट ऑफ आयुष बेस्ड प्रोफाइलेक्टिव इंटरवेंशन, जो कि आयुर्वेद का इस्तेमाल कोविड 19 के प्रिवेंशन में हाई रिस्क पॉपुलेशन को स्टडी करेगा। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका और तेलंगाना के राज्य स्वास्थ्य मंत्रियों से भी उनके प्रिपेयरनेस और कंटेनमेंट एफर्ट्स की समीक्षा की। इससे पहले माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने UP, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, गुजरात और महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री के साथ भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा बातचीत की और उन्होंने कहा कि राज्यों को हर संभव मदद दी जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि अन्य राज्यों से आने वाले माइग्रेंट वर्कर्स की उचित क्वारंटाइन व्यवस्था हर जिस स्टेट में वह लौट रहे हैं वहाँ की जाए, और सारी यानी कि सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस और इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस केसेस की सैम्पलिंग और टेस्टिंग की उसको बढ़ाया जाए, उसकी आवश्यकता पर भी उन्होंने बल दिया। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने रेड क्रॉस वॉलंटियर्स द्वारा देश में किए जा रहे रिलीफ मटेरियल के डिस्ट्रीब्यूशन को भी वर्ल्ड रेड क्रॉस डे पर सराहना की। स्वास्थ्य मंत्रालय ने विदेश से लौटने वाले कॉन्टैक्ट्स, आइसोलेशन ऑफ सस्पेक्ट्स या कन्फर्म केसेस के लिए राज्यों में फैसिलिटी क्वारंटाइन, फैसिलिटी आइसोलेशन के लिए होटल्स, सर्विस अपार्टमेंट, लॉजेज एट्सेट्रा के यूज करने के लिए भी अतिरिक्त दिशा निर्देश जारी किए हैं। यह सर्विसेज क्लिनिकली असेस्ड प्री सिम्टोमेटिक और वेरी माइल्ड केसेस के लिए प्रोवाइड की जा सकती है, जिसके तहत जो लोग जिनके यहाँ पर रिक्वायर्ड होम आइसोलेशन की फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है वह इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि जो भी ये होटल हों उनमें इन हाउस फैसिलिटी हो एक ट्रेन डॉक्टर और नर्स की, और जो उन सस्पेक्ट और कॉन्टैक्ट केसेस को वहाँ पर रेगुलरली मॉनिटर करें, साथ में डिस्ट्रिक्ट सर्विलेंस ऑफिसर के टच में रहते हुए उनकी हेल्थ स्टेटस के बारे में रेगुलरली बताते रहें, एक लैब से उनका प्रॉपर टाइप होना चाहिए, साथ ही लाइव वाईफाई फैसिलिटी के द्वारा आरोग्य सेतु एप्लीकेशन का इस्तेमाल उन पर्टिकुलर सस्पेक्ट और पेशेंट कंफर्म केसेस द्वारा किया जाना चाहिए। जो भी लिनन, टॉवल या जो भी रूम का इस्तेमाल हो उसको रेगुलरली डिसइंफेक्ट किया जाए और सारी इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल गाइडलाइंस का फॉलोअप किया जाए। इसके साथ ही जब माइग्रेंट वर्कर्स अपने रेस्पेक्टिव स्टेट्स में वापस लौट रहे हैं
इस बात पर इंफेसिस होना बहुत जरूरी है कि मूवमेंट के दौरान उनको इन्फेक्शन प्रिवेंशन मैनेजमेंट से संबंधित सभी प्रिकॉशंस का फॉलोअप हो, जैसे कि ऑर्गेनाइज किया गया हो, वह चाहे होम क्वारंटाइन हो या फैसिलिटी क्वारंटाइन हो, सभी नियमों का पालन किया जाए। यह कार्य करते समय माइग्रेंट वर्कर्स, उनसे हमारी रिक्वेस्ट है कि वह समझें कि जो भी एफर्ट्स किए जा रहे हैं वह उनकी, उनके परिजनों की तथा उनके शहर और उनके गांव की रक्षा के लिए हैं। सभी डूज एंड डोंट्स का पालन किया जाए। सभी लोग फिजिकल डिस्टेंसिंग, हैंड हाइजीन, रेस्पिरेटरी हाइजीन और रिक्वायर्ड सैनिटेशन और एनवायरमेंटल हाइजीन का एक बिहेवियरल चेंज के रूप में अपनी लाइफ में पालन करें। वह क्वारंटाइन की गाइडलाइंस का अमल करें और अपने लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का सपोर्ट करें। धन्यवाद। धन्यवाद। अनंत प्रकाश पांडे, इंडिया टीवी। सर्कल एम्स के डायरेक्टर का एक बयान आया कि जो कोरोना का पीक है वो जून जुलाई तक जाएगा, तो क्या हम इस लड़ाई को इतने लंबे समय तक लड़ने के लिए तैयार हैं और क्या हमारा मेडिकल सिस्टम जो है वो तैयार है इतनी लंबी इस लड़ाई को लड़ने के लिए? एक और सवाल है सर, ये फेविपिराविर जो ड्रग को लेकर उसके क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए ICMR ने कहा है, तो ये दवा कितनी कारगर है अगर इसका ट्रायल सफल होता है तो? सर, विद रिस्पेक्ट टू, जैसे कि एम्स के डायरेक्टर साहब ने कहा है और इससे पहले भी हम लोगों ने कई बार चर्चा की है कि अगर हम रिक्वायर्ड डूज एंड डोंट्स का पालन करेंगे, रिक्वायर्ड प्रोसेसेस इन टर्म्स ऑफ क्लिनिकल मैनेजमेंट उसको फॉलो करेंगे, तो हो सकता है कि हम पीक को अचीव ना करें, हमारा कर्व इसी तरह से फ्लैटन रहे। लेकिन जिस भी समय पर अगर हम कोई भी प्रिकॉशंस का, रिक्वायर्ड प्रोसेसेस का पालन नहीं करते हैं, तो केसेस में स्पाइक आने की संभावना रहती है, जिसके लिए ही हम आपके द्वारा सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि काइंडली हमें हर तरह का सपोर्ट दिया जाए, कम्युनिटी सपोर्ट मिले, फील्ड में हर तरह से एक्शन और सपोर्ट हमारा उस तरह से चलता रहे कि हम उस पीक को ऑब्जर्व ना कर पाए। आपने कौन सी दवाई के बारे में जी? रेमडेसिविर। देखिए, जैसे इसके बारे में हम बता चुके हैं कि काफी पर्टिकुलर ड्रग्स में जो हम रिसर्च कर रहे हैं उनके रिसर्च के प्रोटोकॉल होते हैं, चाहे वह हमारी जो अभी हमने जैसे HCQ की बात की, इससे पहले कभी हम बात कर चुके हैं कि जो हमने प्रोफाइलेक्सिस और ट्रीटमेंट के लिए किया है, इसके साथ ही हमारे बहुत सारे और कैंडिडेट हैं और हमारी और भी जो ओल्ड ड्रग्स हैं उनका रीपर्पजिंग का भी प्रोसेस चल रहा है, उनके रिजल्ट आने में टाइम लगता है। जैसे ही कोई रिजल्ट आएगा पॉजिटिव, हम भी उसी हर्ष और उल्लास से आपके साथ उसको शेयर करेंगे। मिस्टर नितिंदर, दूरदर्शन। सर, आप मुंबई का दौरा करके आए हैं, करीब 3 ऐसे स्टेट हैं, महाराष्ट्र, गुजरात और दिल्ली, जहां सबसे ज्यादा केस है, तो क्या इन केस में आप कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर पा रहे हैं या सोर्स ट्रेसिंग कर पा रहे हैं? क्या ये आउटब्रेक है या फिर ये कम्युनिटी ट्रांसमिशन है या क्या है? क्या वजह है कि इतनी सारी केसेस आ रहे हैं? सेकेंड क्वेश्चन मेरा रिसर्च से रिलेटेड है कि जो टेस्टिंग किट है जो भारत में भी बना रहा है, CSIR डेवलप कर रहा है, वो कब तक आ जाएगा? और ये जो रैपिड टेस्टिंग किट की बात हो रही थी, उस पे सर्विलांस में कितना मदद मिलेगा अगर इस तरह की चीजें आएंगी तो? सर, जैसे हम सब लोगों को अवगत है कि कुछ स्टेट्स में लास्ट पिछले कुछ दिनों में संख्या में बढ़ोतरी हुई है, जिसमें महाराष्ट्र भी है, गुजरात भी है, दिल्ली भी है, तमिलनाडु, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इन स्टेट्स में ओवरऑल काफ़ी केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं। हमारे लिए ज़रूरी है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टेट गवर्नमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करते हुए किस तरह से हम अपने कंटेनमेंट एफर्ट्स को और स्ट्रेंथन करें, ताकि हम उन केसेस की, उनमें जो प्रोग्रेस हो रही है उसको हम रोक पाएं। जिसके लिए ज़रूरी है कि हमारे कंटेनमेंट एफर्ट्स बहुत ही स्ट्रिंजेंट हों और साथ में जितने भी हमारे प्रोसेसेस हमने बताए हैं इन टर्म्स ऑफ फिजिकल डिस्टेंसिंग, उसका फील्ड लेवल पर प्रॉपर तरीके से पालन हो। विद रेस्पेक्ट टू रिसर्च एंड रैपिड डायग्नोस्टिक किट्स, हम लोगों ने इससे पहले भी इसके बारे में बात की है कि जब कुछ रैपिड डायग्नोस्टिक किट्स से संबंधित उनकी एफिशिएंसी और एफिकेसी के ऊपर कुछ कंप्लेंट आई थी, तो उसके साथ ही ICMR ने उसको एग्जामिन किया और उसको एग्जामिन करते हुए डिटेल्ड गाइडलाइन जल्दी ही इशू करेंगे। ऑनलाइन क्वेश्चन है, इज द होम मिनिस्ट्री कंसिडरिंग टू ओपन रेस्टोरेंट्स, स्ट्रीट कॉर्नर्स, ईटरीज, स्वीट शॉप्स एटसेट्रा इन जून फर्स्ट हाफ इन ए ग्रेडेड मैनर? दिस इज फ्रॉम संडे गार्डियन, नवतन कुमार। आई थिंक इट इज टू अर्ली टू कमेंट ऑन दिस। ओके, मिस्टर प्रणय उपाध्याय, ABP News।
सर, आप लोग समय समय पे ये मैथमेटिकल मॉडलिंग और असेसमेंट करते रहे हैं कि नंबर कितना हो सकता है, किस तरीके से ग्रोथ रेट होगा? जो जून और जुलाई में पीक की बात की जा रही है, तो आपका मौजूदा आकलन इस समय क्या है कि कितने तक नंबर जा सकता है? और आज अगर करीब करीब 3,500 के केसेस रोज आ रहे हैं, तो हम कितने केसेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर पीक जून जुलाई में आता है तो? और इसी से जुड़ा हुआ है कि भारत में लोग जो इस चीज को लेकर चिंतित हैं, तो क्या आप उन्हें सलाह देंगे कि जब पीक आएगा तो इससे ज्यादा क्या कॉशन और लिया जाना चाहिए? और दूसरा सवाल मेरा होम मिनिस्ट्री से है कि जिस तरीके की औरंगाबाद में घटना हुई है, मजदूर जो है रेलवे की पटरी पे मारे गए हैं, इस तरीके की घटनाओं को रोकने के लिए क्या कुछ रिवाइज गाइडलाइंस दी गई हैं कि मजदूरों तक ये कम्युनिकेशन जाए कि रेल में ट्रेनें चल रही हैं, इसलिए वो पटरियों पर पैदल ना चलें? तो पहले प्रश्न के जवाब में मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे पहले हमें ये समझना है कि कॉन्सेप्ट ऑफ पीक हम किस विषय में बात कर रहे हैं। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि जब हम कोई एनालिसिस करते हैं, और जितना आप डिफरेंट टाइप के एनालिसिस इस टाइम डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन ने दी है, तो कुछ हजार से लेकर कई करोड़ तक केसेस का आकलन उन्होंने प्रोजेक्शन में दिया है। हमें ये समझने की जरूरत है कि जब हम कोई एनालिसिस करना चाहें उस केस में, उसके वेरिएबल्स इस टाइम इतने ज़्यादा हैं कि उसके कारण से ही जो ये फिगर्स जो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन प्रोड्यूस करते हैं वो इतनी ज़्यादा होती हैं, इतनी वाइडली वेरिंग होती है कि उसके बेसिस पर एक फील्ड एक्शन को डिटरमिन करना आई थिंक इट विल बी स्लाइटली डिफिकल्ट। तो उसके लिए जरूरी है कि हम क्या करें, हम ये आइडेंटिफाई करें कि आज हमारे केसेस किस गति से बढ़ रहे हैं, यानी कि हमारा प्रेजेंट आकलन जिसको हम चाहे ग्रोथ रेट ऑफ केसेस बोल सकते हैं या हम उसको डबलिंग रेट बोल सकते हैं जो उसका इन्वर्स है, यानी कि कितने दिन में केसेस डेवलप हो रहे हैं। तो उसके बेसिस पर अगर हम एनालिसिस करते हैं तो हम पा ही रहे हैं कि जैसे करीब 10 दिनों में हमारा आज डबलिंग रेट नोट किया जा रहा है, और उससे लिंक इशू ये है कि अगर हम एक पर्टिकुलर डबलिंग रेट नोट करते हैं तब हम ये एनालिसिस करना जरूरी है कि किन पर्टिकुलर प्रांतों में, किन जिलों में या किन सिटीज़ में वह रेट जो है वो उससे ज़्यादा है, या उस रेट के संबंधित हमारी गाइडलाइंस के तहत वहाँ पर कुछ और एडिशनल एफर्ट्स करने की ज़रूरत है। तो जब हमारा ये आकलन होता है तो हमारा पूरा एफर्ट ये होता है कि कैसे हम अपने डबलिंग रेट को और बढ़ाएं, कैसे उनकी दिनों की बढ़ोतरी हो, और उसी के कंसर्न इफेक्ट में आप पाते हैं कि हम स्टेट्स के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं। जैसे अभी आपने मुंबई के बारे में जिक्र किया, उसी तरीके से हम स्टेट से रिक्वेस्ट करते हैं, उनके साथ मिलके प्लान करते हैं कि कैसे हम उन केसेस की संख्या को कम कर सकें, जिसमें हमारा मेजर एफर्ट प्राइमरीली होता है कि हम कंटेनमेंट एफर्ट्स को और स्ट्रॉन्ग करें। इसमें यह समझने की ज़रूरत है कि आज अगर हम लोग कलेक्टिवली इस दिशा में काम करते रहें तो जिस तरीके से जो केसेस का ग्राफ हमें मिल रहा है, शायद कुछ हद तक अगर हम इसको मैनेज कर पाएंगे, ये सिचुएशन दिखती है आराम से हम इसको मैनेज कर सकते हैं दिखती है, लेकिन लिंक चैलेंज हमेशा ये रहा है। जैसे हम कई बार बोला है कि हमारी प्रतिदिन की बैटल है, तो अगर हम इन्फेक्शियस डिजीज मैनेजमेंट के एंगल से देखें तो एक भी स्थान में हमारी कोई भी फेलियर वह हमारे ओवरऑल एफर्ट को इम्पैक्ट करती है। तो जरूरी है कि जो भी एफर्ट हम करें, चाहे वो किसी जिले में हो चाहे वो किसी सिटी में हो, वो एफर्ट में हमारे 100% आउटपुट आना बहुत जरूरी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है कि हमारे फील्ड फंक्शनरी, हमारा कम्युनिटी सपोर्ट उसी इंटेंसिटी और उसी विगर के साथ बना रहे। रीमा प्राशर, इंडियन न्यूज। जो इंसिडेंट आप डिस्क्राइब कर रहे हो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। समय समय पर स्टेट गवर्नमेंट्स और यूनियन टेरिटरीज को हम बार बार यही कह रहे हैं कि जो भी हमारे दिशा निर्देश हैं और एडवाइजरीज हैं उसको ग्राउंड लेवल तक पहुंचाएं, बट इट वाज अ वेरी दुर्भाग्यपूर्ण घटना। सर, जिस तरह से पिछले 3 से 4 दिन में केसेस बढ़े हैं, उसके बाद अब मौजूदा ग्रोथ रेट के बारे में आप क्या कहेंगे, और खासकर डबलिंग रेट किस तरह से जो बदला है वो आज की डेट में कितना है? आई थिंक इसी के साथ में लास्ट क्वेश्चन जो है ऑनलाइन सिमिलर क्वेश्चन है, आई विल जस्ट एड वन, या विल टेक योर क्वेश्चन लेटर। इट हैज बीन ऑलमोस्ट 1 week that government issued a list of red, orange and green districts. Has there been a change in their numbers? What is the government's top concern today as daily COVID cases continue to increase to the expectations that the disease graph will start to regress by now? So, as you are aware ki jab hum red, green, orange jilo ko jab divide karte to humara jo considerations hote hain, it includes ki wahan par total active cases kitne hain, वहाँ पर केसेस का डबलिंग रेट क्या है, वहाँ पर टेस्टिंग रेशियोज़ कैसी हैं,